तो चलो, अगर तुम देखोगे इस वाले सवाल को, बेसिकली अगर इस वाले क्वेश्चन को देखोगे, तो इस क्वेश्चन को देखने के लिए नॉलेज, थ्योरिटिकल नॉलेज की ज़रूरत है। तो जो माइक्रोवेव्स होता है, वो कौन, इसमें से कौन सा मेथड प्रोड्यूस कर, इधर वेव दिया हुआ है, मेथड ऑफ प्रोडक्शन होता है। तो जो ए ऑप्शन है इसका जो है, वो बेसिकली जो माइक्रोवेव्स होता है वो कैलिस्ट्रॉन वॉल्व या मैग्नेट्रॉन, लिख देता हूँ, ठीक है, समझ रहे, कैलिस्ट्रॉन, कैलिस्ट्रॉन वॉल्व, यहाँ वैल्यू नहीं रहेगी, कैलिस्ट्रॉन वॉल्व या मैग्नेट्रॉन वॉल्व, ये सब यूज होते हैं, ठीक है, यूज टू प्रोड्यूस, हाँ, यूज टू प्रोड्यूस माइक्रोवेव्स, ठीक ना, माइक्रोवेव्स, ठीक है ना। और ये जो है माइक्रो ओवन वगैरह में यूज होता है। तो ये हीटिंग वेव है, बेसिकली क्या है, ये हीटिंग वेव है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो ये हीटिंग वेव है, माइक्रो ओवन वगैरह में यूज। तो ये इसका जो ए का अपना फोर्थ मैच कर गया। गामा रे हम सबको पता है, रेडियो एक्टिविटी डीके में रिलीज होता है, प्रोड्यूस होता है। एक्सरे तुम पढ़े होगे तो तुम्हें पता होगा कि इनर सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन की जंपिंग में एक्सरे प्रोड्यूस होता है। और रेडियो वेव्स ये होता है रैपिड एक्सलेशन या डिसलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है। इसकी वजह से चार्ज पार्टिकल जो होता है या इलेक्ट्रॉन्स होता है, हाई एक्सलेट या रैपिड एक्सलेट या डिसलेट करोगे तो रेडियो वेव्स प्रोड्यूस होते हैं। तो ये बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रोडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो ए का तो फोर्थ मैच किया और बी का जो है वो फर्स्ट मैच किया। तो ए का फोर्थ, बी का फर्स्ट, तो ये सही नहीं हो सकता, ये सही नहीं हो सकता, ये सही नहीं, ए का फोर्थ, बी का फर्स्ट, और यहाँ से डी का थर्ड। तो डी का थर्ड, देखो, तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा, थ्योरेटिकल बेस था, आपको मज़ा आया होगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।